हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चारुजा एंड वेलकम टू डीपीएससी लर्नर्स। तो बात करेंगे आज हम प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस सब्जेक्ट, जो आपके डीपीएससी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है, उसके यूनिट 6 का फर्स्ट टॉपिक है मेरा डिफरेंस बिटवीन हिंदी स्पीकिंग चाइल्ड एंड नॉन हिंदी स्पीकिंग चाइल्ड। आई थिंक ये फर्स्ट टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा बीच में ही है, लेकिन पहले मैंने ये लिया है बिकॉज इट इज क्वाइट ईजी एंड आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा और ये छोटा ही है तो इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। इसके अलावा एनवायरमेंट का मेरी तरफ से कोर्स कंप्लीट हो गया है। जो लोग मुझे बोल रहे हैं यूनिट 2 का या 3 का बता दीजिए, यूनिट 2 की मैं फिर भी एक दो वीडियो अपलोड कर दूंगी एग्जाम से पहले, एंड आई नो एग्जाम 24th को है। और यूनिट 3 मैंने आपको अच्छे से समझा दी है, उसमें लिखने वाला ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई है यूनिट 3 की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी स्पीकिंग चाइल्ड और नॉन हिंदी स्पीकिंग चाइल्ड में क्या डिफरेंस होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नेम से पता चल रहा है ये हिंदी स्पीकिंग है, दैट मींस ये हिंदी बोलता है, और ये नॉन हिंदी स्पीकिंग है तो ये हिंदी नहीं बोलता। तो इसका फर्स्ट जो हमारा डिफरेंस निकल कर आता है वो यही है कि इज कंफर्टेबल इन लिसनिंग एंड टू बीइंग एड्रेस्ड इन हिंदी। मतलब इस बच्चे को हिंदी में अगर हम बुलाएंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, कंफर्टेबल होगा, बहुत अच्छे से रहेगा, बहुत अच्छे से पढ़ेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम अगर नॉन हिंदी स्पीकिंग चाइल्ड, यानी जिस बच्चे को हिंदी नहीं आती है, नहीं बोलता, उसको कराएंगे तो वो पजल रहेगा, जो भी वो सुन रहा है तो वो पजल रहेगा। नेक्स्ट है ग्रोन अप हियरिंग हिंदी। जो ये बच्चा है हिंदी स्पीकिंग चाइल्ड का, वो बड़ा हुआ है हिंदी सुनते सुनते, तो वो क्या करेगा, वो डिस्टिंग्विश कर लेगा इजीली साउंड्स विद क्लैरिटी। मतलब जो हिंदी के क ख ग ढ होते हैं, अ आ ई ई होते हैं, या फिर जो हिंदी की सारी साउंड्स होती है, वो अच्छे से क्लैरिटी से डिस्टिंग्विश करेगा, समझेगा। लेकिन ये ना ढंग से साउंड सुन पाएगा, इसे समझ नहीं आएगी। आप बात करो तो एबल टू प्रोनाउंस ऑल द साउंड्स एंड मोस्ट वर्ड्स ऑफ हिंदी क्वाइट एफर्टलेसली। मतलब इसको ज्यादा टाइम भी लगेगा, ज्यादा एफर्ट्स भी लगेंगे इसको, ये बहुत जल्दी से हिंदी बोलना सीख जाएगा और कर लेगा, बोल भी लेगा, और ओरल टास्क भी हिंदी में ही देगा। लेकिन ना ये लर्न कर पाएगा डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड्स, और जब इससे हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये टंग टाइड हो जाएगा, मींस चुप हो जाएगा, कुछ बोल नहीं पाएगा। कॉम्प्रिहेंड एंड टेल्स अ स्टोरीज। ये बच्चा जो है स्टोरी समझ भी लेगा अगर समझाओगे हिंदी में, और बना भी लेगा और बता भी देगा, लेकिन ये बच्चा ऐसा नहीं करेगा। अंडरस्टैंड टेक्स्ट इन हिंदी। अगर कोई टीचर कोई चैप्टर पढ़ा रही है हिंदी में, अंडरस्टैंड कर लेगा, समझ लेगा, लेकिन ये अपना अटेंटिव तो रहने की कोशिश करेगा, लेकिन जो है ये नहीं समझ पाएगा। तो ये थे हमारे डिफरेंस बिटवीन हिंदी स्पीकिंग चाइल्ड एंड नॉन हिंदी स्पीकिंग चाइल्ड। आप चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ साथ इसमें कहीं प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।